एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ मसाला चाय, जिसके लिए मैंने पानी ले लिया है 2 कप। ये मेरा कप है, ठीक है, कप तो नहीं है, एक तरह से ये मग्गा ही समझ लें। तो इससे 2 मग मैंने पानी ले लिया है। यहाँ पे मैंने 4 ऐसे टी बैग्स लिए हैं, 4 मैंने यहाँ पे अपनी इलायची ले ली है छोटी सी, इस तरीके से मैंने टुकड़े दालचीनी के लिए हैं, और ये ऐसे छोटे छोटे से टुकड़े मैंने अदरक के काटे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे, मैंने अभी अपना जो है चूल्हा खोल के रखा हुआ है नीचे से, और मैं बॉईल का वेट कर रही हूँ, और ये मैंने इसमें सारे मसाले यहाँ पे शामिल कर देने हैं। तो आंच फुल है पूरी मेरी, मैंने इसको इतना पकाना है कि क्या हो कि मेरे 2 कप जो है वो 1 कप रह जाए। अभी क्या हुआ है, मेरा जो 2 कप पानी था वो 1 कप रह गया है, ठीक है। ये देखें, अब मैं इसमें क्या करूंगी, मेरा जो ये 1 कप मिल्क है ये इसमें चला जाएगा यहाँ पर। अब मैं इसको एक बॉईल का वेट करूंगी। शुगर जा रही है इसके अंदर, इसमें देखें मेरा जो दूध में ना एक बॉईल आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसमें अपने टी बैग्स शामिल कर दूंगी, ये 4 टी बैग्स हैं, ये अंदर चलेगा। इस टाइम पे मैं इसकी जो फ्लेम है उसको हाई कर दूंगी, और मैं इसको दूंगी लाइक 1 मिनट, और मैं देखती हूँ कलर कैसा आता है, ठीक है। देखते रहिएगा कि ऐसा ना हो कि उबल जाए, चूल्हा मेरा गंदा हो जाए, आप देखते रहिएगा। ये ऐसी बनती है कि अगर आपको लग जाए ना इसका, तो ये रोज आप बनाएंगे। थोड़ा सा मेहनत लगती है बनाने में, बहुत मजे की बनती है, बहुत ऊपर तेजी से आ रहा है, ऐसे ऐसे करते हैं। और आपको अगर देखें स्ट्रांग, जितनी स्ट्रांग करनी है उस हिसाब से आप इसको अभी सब पका लें, और ये ऐसे दबाते रहें इसके टी बैग्स को, ठीक है। बस ये ऑलमोस्ट डन है, इसका कलर तरह से आ गया है जो मुझे चाहिए। बस मैं इसको थोड़ी सी देर और दूंगी, और फिर मैं इसको निकालती हूँ कप में, और फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। मैं इसको छान लूंगी क्योंकि इसमें अंदर मसाले हैं, ओके। तो ये मेरी चाय रेडी हो गई है, तो इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।